Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, I am Ravindra Dahiya, motivational speaker, educational counselor. आज की वीडियो में 12th क्लास के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ जिनके 5 मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं। ये क्वेश्चंस कई बार 5 मार्क्स में एग्जाम में आए भी हैं और इस बार 2021 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द स्टोरी डीप वॉटर टॉक्स अबाउट डगलस अटेम्प्ट्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वॉटर। जो स्टोरी है डीप वॉटर, वो विलियम डगलस के उस अटेम्प्ट को बताती है हमें जो उसने किए अपने डर से ऊपर, यानी कि डर को काबू करने में, पानी से जो उसको डर था स्पेशली। द स्टोरी कैन ऑल्सो बी व्यूड एज अ फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ्स मैनी चैलेंजेस एलोबरेट विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट। हमारे जीवन के भी बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनको बताने के तौर पर भी इस कहानी को यूज किया गया है। तो ये आपको बताना है, इसमें आप डीप वॉटर की जो स्टोरी है आपके साथ जो डिस्कस कर भी चुका हूं मैं वीडियोस के अंदर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। सभी वीडियोस मैंने बना रखी है, समराइज वीडियो बना रखी है, वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो कैसे असल जीवन में भी चीजें लागू होती हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द स्टोरी द रेड ट्रैप हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन। जो स्टोरी रेड ट्रैप स्टोरी है हमारी, वो इम्पोर्टेंस को शो कर रही है कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेलापन। तो अकेलेपन के ऊपर कैसे कम्युनिटी जो है वो कंट्रोल कर सकती है, मीन्स कि अगर हम मिलजुल करके रहेंगे तो इस चीज से अकेलेपन से इंसान बाहर आ सकता है, कैसे उसको मददगार हो सकती है उसके उस आइसोलेशन से बाहर निकलने में। सपोर्ट योर रैशनल विद टेक्सचुअल एविडेंस, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए लिखे और टेक्स्ट जो है यानी कि जो स्टोरी है उसमें से आपको एविडेंसेस लेने। तो किस प्रकार से कहानी के अंदर भी दिखाया गया है कि जब वो मिलता है सबसे, वहां पर जाता है, मिल में जाता है, घर पे जाता है, तो सबके साथ जब वो सेलिब्रेट करता है न्यू ईयर क्रिसमस, कैसे उसका दिल बदल जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मिस्टर लैम्ब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर लैम्ब कॉल्स डायरेक हिज फ्रेंड्स व्हाइल डायरेक रिफ्यूजेस हिज अफर्मेशन। मिस्टर लैम्ब डायरेक को अपना फ्रेंड बताते हैं और डायरेक इसको मना कर देता है, मीन्स के इस बात पर हाँ नहीं भरता है कि मैं आपका दोस्त हूं। वुड यू कंसिडर द रिलेशनशिप विद ईच अदर एज फ्रेंडशिप। तो क्या आप उनके रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप के तौर पर देखते हैं, फ्रेंडशिप के पैमाने पर आप उसको कंसिडर करते भी हैं। सपोर्ट योर आंसर विद रेफरेंस टू द इंस्टेंसिस फ्रॉम द टेक्स्ट। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप टेक्स्ट की हेल्प ले सकते हैं, टेक्स्ट में से कुछ एविडेंसेस को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट्स इन द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी हु वुड यू सपोर्ट, विजार्ड और मम्मी, जस्टिफाई योर चॉइस। जो कहानी है शुड विजार्ड हिट मम्मी, इसमें से आपने पूरी कहानी पढ़ी, आप किसको सपोर्ट करते हैं, मम्मी को सपोर्ट करते हैं या फिर विजार्ड को सपोर्ट करते हैं, ये आपने बताना है। कहानी में से आप ले सकते हैं उन पॉइंट्स को जो लगता है कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। पेडलर ने लास्ट में आकर के किन वजहों से अपना रास्ता बदल लिया, मीन्स के जिस रास्ते पर वो जा रहा था, जो चीजें उसके अंदर थी, कैसे उसने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन सर्टेनली अचीव सक्सेस इन ऑल आवर एंडेवर्स इफ वी डिस्प्ले करेज परसेवरेंस हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटरमिनेशन। अगर हम डिटरमिनेशन दिखाते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, विल पावर दिखाते हैं, तो ये चीजें हमारी हेल्प करती हैं कि हम अपने जीवन में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। ये सब पर लागू होता है। तो कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डीप वॉटर। तो डीप वॉटर को समझते हुए उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने इस कंडीशन को प्रूव करना है कि ये सही है। अगर हम हिम्मत दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, विल पावर दिखाते हैं, तो कैसे अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। कहानी के अंदर विलियम डगलस का जो कैरेक्टर है वो इन्हीं सब बातों को शो कर रहा है। तो वहां से आपको ये आंसर अपना लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर लैम्ब्स ऑप्टिमिस्टिक फिलोसॉफी इन्फ्लुएंस डेयरी डिस्कस। मिस्टर लैम्ब की जो ऑप्टिमिस्टिक फिलोसॉफी है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो आदमी बहुत ज्यादा होपफुल रहता है, इस फिलोसॉफी ने कैसे इन्फ्लुएंस किया डेयरी को, ये आपको बताना है कि किस तरीके से मिस्टर लैम्ब का इफेक्ट पड़ा डेयरी के ऊपर, कैसे उसकी पॉजिटिविटी ने डेयरी के माइंडसेट को चेंज करने में उसकी हेल्प करी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी
Should wizard hit mummy raises many issues. What are they? Should wizard hit mummy कई सारे issues को raise कर रही है, क्या है वो issues, ये आपने बताना है। तो students, my dear students, ये questions थे जिनके 5 marks में आने के chances ज्यादा है, जो बार बार आते रहते हैं, लगातार repeat होते रहते हैं। और इस video में आप एक चीज और सीख सकते हैं कि जिन chapters से फिलहाल मैं questions आपको discuss कर रहा था आपके साथ, वो चैप्टर एग्जाम व्यू पॉइंट से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि जो भी एग्जामिनर्स होते हैं उनके पास एक सिलेक्टेड एरिया है कि कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, और जिन चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल इश्यूज रेज होते रहते हैं उन्हीं चीजों के ऊपर वैल्यू बेस्ड, यानी कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो याद रखें, इन चीजों को माइंड में रखें कि किन चैप्टर्स, इन चैप्टर्स को स्पेशली आपको ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा टाइम देकर के आपको इनको स्टडी करना है, तैयारी करनी है, सो दैट आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके। और हम यही कामना करते हैं कि एग्जाम्स में आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क हो, और जो भी चीजें या जो भी मार्क्स आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।